नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक तथा सांविधिक संस्थाओं के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आयोग से जुड़े हुए अन्य वीडियो भी हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 148 या अनुच्छेद 172? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 148। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? गृह मंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो गृह मंत्री को, लोकसभा स्पीकर को, राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को? तो इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति को। जिनके द्वारा नियुक्ति की जाती है उन्हीं को ये अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति और इनका त्यागपत्र भी दिया जाता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष की अवधि के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है, क्या यह कथन सत्य है? इनको शपथ दिलाई जाती है या नहीं दिलाई जाती है, हमें यह बताना है। हाँ, लेता है शपथ या नहीं लेते हैं, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हाँ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है पद ग्रहण करने के पूर्व शपथ लेते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, इनमें से जो पहले पूर्ण हो? तो इसका जो सही आंसर है वो है 6 वर्ष या का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्ते और अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री, भारत का वित्त मंत्री, भारतीय संसद या भारत के राष्ट्रपति? तो इसका जो सही आंसर है वो है संसद। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण भारतीय संसद द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह, लोकसभा में प्रस्ताव पास करके या केवल वित्त मंत्री की सलाह पर? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जा सकता है। याद रखिए उच्चतम न्यायालय ना कि उच्च न्यायालय। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह भारतीय लेखा और लेखा विभाग का मुखिया होता है, इसका नियंत्रण केवल केंद्र सरकार के स्तर पर होता है, इसे सार्वजनिक फंड का संरक्षक कहा जाता है, या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संक्षेप में महालेखा परीक्षक भी कहा जाता है? इनमें से हमें यह बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो आंसर है वो है इसका नियंत्रण केवल केंद्र सरकार के स्तर पर होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। भारत में निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोकधन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है, या संसदीय प्रहरी भी जिसे कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एडवोकेट जनरल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जिसकी नियुक्ति लोकधन के व्यय की निगरानी और संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है,
वो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार या लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? संघ सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, उपरोक्त दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है, उपरोक्त दोनों के लिए, राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों के लिए ही ये कार्य करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? वित्त सचिव, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, नियंत्रक या निम्न में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो भी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि अधिकारी भारत सरकार के वित्तीय लेन देन के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं? लोक लेखा समिति के लिए, प्राकलन समिति के लिए, वित्त मंत्रालय के लिए, लोक उपक्रम समिति के लिए। तो भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है वो लोक लेखा समिति के लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। लोक लेखा समिति ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नहीं है? निम्नलिखित में से वह कौन सा कार्य है जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नहीं किया जाता है? वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, भारत की संचित निधि की रक्षा करता है, केंद्र से सहायता प्राप्त करने वाले सभी आपिस संस्थानों का लेखा परीक्षण करता है, या वह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट संसद में रखता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट संसद में रखता है। यह कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नहीं है, जबकि भारत की संचित निधि की रक्षा करना, केंद्र से सहायता प्राप्त करने वाले सभी ऑफिस और संस्थानों का लेखा परीक्षण करना और केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देना, ये तीन कार्य इनके अंतर्गत आते हैं। लेकिन राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट को संसद में रखना यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि किस प्रकार की संस्थाएं? परामर्शदात्री संस्थाएं, संविधानेतर संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है संवैधानिक संस्थाएं, ये सभी एक प्रकार से संवैधानिक संस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्न में से किसकी होती है? उच्चतम न्यायालय की, संसद की, राष्ट्रपति की या प्रधानमंत्री की? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी जो होती है वो भारतीय संसद की होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किसकी लेखा समीक्षा करने का अधिकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को है? भारत की संचित निधि की, राज्य की संचित निधि का, प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा हो या उपरोक्त सभी? तो लेखा समीक्षा करने का अधिकार जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का है वो उपरोक्त सभी का है, जिसमें वो भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि, प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा हो उनकी संचित निधि और उनका लेखा जोखा करने का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अधिकार है, समीक्षा करने का अधिकार है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को या राष्ट्रपति को? तो इसका जो सही आंसर है राष्ट्रपति को। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? तो इसका जो सही आंसर है वो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। निम्न में से कौन भारत का
कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण या पर्यवेक्षण करता है? वित्त मंत्री, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संसद या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद के निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? प्राकलन समिति से, सार्वजनिक उपक्रम समिति से, लोकलेखा समिति से, या सभी विकल्प सही हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है लोकलेखा समिति से। लोकलेखा समिति से जुड़ा हुआ है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, या उपरोक्त सभी? तो लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है वो होता है कार्यपालिका के व्यय पर नियंत्रण करना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? संघ के मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा, भारत की संसद के दोनों सदनों से संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा? तो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करते हैं? केंद्र सरकार, सरकारी कंपनियां, राज्य सरकार, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? लोकलेखा समिति, प्राकलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, या विशेषाधिकार समिति? तो इसका सही आंसर है लोकलेखा समिति। हमें याद रखना है लोकलेखा समिति के बारे में। किसी सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? जेपी शेलर्ट, के संथानम, ए के चंदा, या महावीर त्यागी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए के चंदा, जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।